दीवानी न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 23 पदों पर चुनाव सकुशल संपन्न हुआ। गोरखपुर के बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के चुनाव में अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार पांडे विजयी घोषित हुए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उमापति उपाध्याय को 577 मतों से पराजित किया है। वही मंत्री पद पर कांटे की टक्कर में धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी ने 910 मत प्राप्त कर विजयी हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गिरिजेश मणि त्रिपाठी को 214 मतों से पराजित किया। जिसके संबंध में बार एसोसिएशन के चेयरमैन राधेश्याम पांडे ने बताया कि बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 23 पदों पर चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 94 प्रत्याशी मैदान में है और बार एसोसिएशन के 2548 सदस्य वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा, यहां पर पदाधिकारी शांतिपूर्वक सदस्यों से अपने लिए वोट मांग रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे कि यहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बार एसोसिएशन के चेयरमैन राधेश्याम पांडे ने कहा, ये आपका वाइफ, आपका वाइफ और अभी राधेश्याम पांडे, चेयरमैन एल्डर्स कमिटी बार एसोसिएशन गोरखपुर। चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है, कितने प्रत्याशी? 94 हैं। 2548 वोटर, 2548 हैं, प्रत्याशी 94 हैं। अध्यक्ष मंत्री काउंटिंग आज ही 8-9 बजे रात तक हो जाएगी, बकिया का कल पर होगा। और क्या जाना चाहते हैं? कुल कितने पदों के लिए चुनाव हो रहा है? कुल 23 पद है, सदस्य पदाधिकारी लेके 23 पद कुल है।